आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल खुश कर दिया है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जिस एबीवीपी ने सोचा कि आप लोगों के विचारों को, आपके जो रामजस के छात्र थे, टीचर्स थे, जिन्होंने सोचा सेमिनार करेंगे, आपके सवालों को, आपके वाद विवाद की आजादी पर उन्होंने सोचा कि हम पत्थर चला करके बंद कर देंगे, आप लोगों ने उनका इतना सुंदर जवाब दिया है कि हम लोगों के पास में और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज जो यहाँ हुआ है ये देश को जरूर पता लगेगा, क्योंकि देश सिर्फ हमारे नेशन के ठेकेदार चैनलों के जरिए देश नहीं जानती। ये सारे छात्र जो देश भर से आते हैं उनके जरिए उनके गांवों तक, उनके शहरों तक, उनके अलग अलग जगह तक, पूरे देश तक पहुंचेगा ये आवाज। क्योंकि चैनल क्या कर रहे हैं आज, वो आपके मार्च के बारे में चला रहे हैं कि ये तो परेड पॉलिटिक्स है, ये तो लेफ्ट वर्सेस राइट है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ बताया कि दरअसल हम राजनीतिक लोग आपके बीच क्यों आए, सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज फाशीवाद के खिलाफ लड़ाई है, और फाशीवाद के खिलाफ लड़ाई आज साधारण छात्र और टीचर शिक्षक वो उस लड़ाई की अगली कतार में है, वो उस लड़ाई को जीत रहे हैं कैंपसों में। और इसीलिए हम सब जो पूरे देश को फाशीवाद से बचाना चाहते हैं, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम भी आपके साथ में चलें, आपसे सीखें। और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आज कहना चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं सिखाने आई, मैं छात्र थी, सही बात है, काफी दिन हो गया, लेकिन हम भी दूसरे जनरेशन में पहुंच गए, इसीलिए मेरे पास कुछ नहीं है आपको सिखाने। लेकिन आपके नारों से, आपके गानों से, आपके गीत से, आपके जज्बे से सीखने के लिए मेरे पास इतना कुछ है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, गुरमेहर कौर नाम की आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को जिस तरह से बलात्कार की धमकियां मिली, उसके बारे में, और सिर्फ धमकियां नहीं, मैं मानती हूँ कि उस लड़की के साथ में जो बातें कही गई है उसमें रेप की धमकियां आर नॉट इवन द ओनली बैड थिंग, क्योंकि जिस तरह की, मैंने वो फ्री फॉर ऑल जो चल रहा है जिसमें सबको लग रहा है कि उनके पिताजी जिनका देहांत हो गया, उनकी डेथ को लेकर के राजनीति हम सारे लोग कर सकते हैं, उनके देहांत का चोला ओढ़ करके हम राष्ट्रवादी खुद को कहला सकते हैं, और उस 20 साल की बच्ची को, 20 साल की लड़की को कह सकते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम अपने पिता की मृत्यु पर कुछ सोचो, कुछ लिखो। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अब सारे लोगों की आपस में बहसें होंगी, मैं जानती हूँ कि मेरी जो राजनीति है, आप में से सारे लोग जो मीडिया वाले उनको भी मैं कह दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं क्योंकि ये सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी पार्टी से जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, हम भी जानते हैं, हम ये कहने ही नहीं आए। लेकिन ये जो वाद विवाद की आजादी है जिसपे हम बस्तर पर भी बोलेंगे, वाद विवाद की आजादी को पूरे देश में और हर कैंपस में बचाएंगे। इसी बात के साथ आप सभी लोगों को